हाँ जी, 6th क्लास। अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, डाइवर्सिटी इन इंडिया। डाइवर्सिटी इन इंडिया जो है आपका सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी है, उसका नेक्स्ट टॉपिक है। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने क्या क्या पढ़ा था? फिजिकली एजुकेशन, सॉरी, फिजिकल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, सोशल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, इकोनॉमिक डिफरेंस के बारे में पढ़ा। अब आपका आता है डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि क्या क्या डाइवर्सिटी हमें इंडिया में देखने को मिलती है। डाइवर्सिटी मतलब क्या क्या अलग अलग लोग देखने को मिलते हैं, लैंग्वेज देखने को मिलती है, कल्चर देखने को मिलता है, तो वो सारी चीज़ में हम पढ़ेंगे। इंडिया इज़ रिगार्डेड एज अ कंट्री ऑफ यूनिट इन डाइवर्सिटी, मतलब कि आपकी जो कंट्री है इंडिया की, उसमें क्या है, यूनिटी है। यूनिटी का मतलब होता है कि एक साथ जुड़े हैं। अगर मान लो आपकी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लोग रहते हैं, 28 आपकी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, हर एक स्टेट्स में अलग अलग चीज़, अलग अलग लैंग्वेज को बोला जाता है, अलग अलग धर्म को अपनाया जाता है, तो उसके अंदर भी क्या है आप लोगों का, कि यूनिटी है, एकता है हमारी कंट्री के अंदर। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारी कंट्री में एकता बनी हुई है, हम एक साथ हैं, अभी भी अलग अलग नहीं हुए हैं। अगर कोई ऐसा देश होता, कोई कंट्री होती है, जैसे तमिलनाडु हो गई, आंध्र प्रदेश हो गई, ये बोलती है हमारे अलग कल्चर है, हमें आप अलग कर दीजिए, पर ऐसा तो नहीं है ना, हम इंडिया के अंदर ही हैं। तो ये क्या दिखाता है कि हमारी जो कंट्री है वो यूनिटी है, यूनिटी बनी हुई है हमारे कंट्री के अंदर। सेकेंड पॉइंट आपका आता है, दिस डाइवर्सिटी इन आर कंट्री कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ वेरियस लैंग्वेज। क्या क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से देखना बेटा, वेरियस क्या क्या चीज देखने को मिल रही है, लैंग्वेज मैंने बताया ना आपको, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, कोई मराठी है, कोई तेलुगु है, कोई कन्नड़ है, कोई मराठी है, और भी बहुत सारी आपकी गुजराती है, पंजाबी है, हिंदी है, हिंदी भी आपकी है, लैंग्वेज है, इंग्लिश भी बोलते हैं, साउथ के लोग मोस्टली इंग्लिश बोलते हैं, और जो नॉर्थ में रहते हैं वो हिंदी बोलते हैं। तो 42% जो है आपकी हिंदी लैंग्वेज को काफ़ी बोला जाता है। तो और भी काफ़ी सारी लैंग्वेज है जो आपकी 28 स्टेट्स हैं, तो आप लगा लो 22 से ज़्यादा, आई थिंक 22 या 22 आपकी जो है वो लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये तो हो गया लैंग्वेज। रिलीजन, अलग अलग धर्म को लोग मानते हैं, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, तो ये तो आपको पता ही है सब बच्चों के, कि कितने कितने धर्म है हम लोगों के, तो सब अलग अलग धर्म को मानते भी हैं हमारी कंट्री में। नेक्स्ट आता है आपका फेस्टिवल, त्यौहार, कोई कोई कुछ बना रहा है, कोई होली बना रहा है, कोई ईद बना रहा है। अब देखो मुसलमानों का टाइम चल रहा हुआ है, इसमें ईद मनाए, लोग ईद को कर रहे हैं, तो ईद मना रहे हैं और होली मनाते हैं, कोई लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म अलग धर्म को मानते हैं, तो ये सब क्या है, ये अलग अलग फेस्टिवल को इंजॉय करते हैं और अपना इंजॉय के साथ साथ मनाते भी हैं। कल्चर, अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, कभी कोई फेस्टिवल आ रहा है, कभी कोई चीज़ को अपनाते हैं। कल्चर मतलब कि उनकी संस्कृति, ऐसे कि पंजाब में तो लोग सलवार सूट पहनते हैं, आपको पता ही है, वहीं अगर आप यूपी साइड में चले जाओ, किसी और देश में, कंट्री में जाओ, स्टेट में जाओ, तो वहाँ पे साड़ी पहनते हैं कोई लोग, तो कई लोग साड़ी को अलग तरीके से पहनते हैं, कोई अलग तरीके से पहनता है, तो ये क्या है, हमारी इंडिया का जो क्या है, ये कल्चर है, मतलब इतना कल्चर, अलग अलग कल्चर होने के बाद भी हम एक साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आता है आपका, बिसाइड दीज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, मतलब लैंग्वेज की जो डाइवर्सिटी है उसके अलावा और क्या क्या चीजें हमारी कंट्री में जो हमारी कंट्री को एकता बनाए रखती है, और बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग भी हैं। इंडिया हैज 5 मेन जियोग्राफिकल फिजिकल। अब मेन फाइव इसमें क्या है, कौन सी जियोग्राफिकल है, फिजिकली बाउंड्रीज हैं, जैसे कि आपका हो गया नदरन माउंटेन, माउंटेन्स पता ना आपको, ऐसे माउंटेन्स होते हैं, प्लेन एरियाज हमारे कंट्री में है, डेजर्ट हमारी कंट्री में है, आईलैंड, हमारे जो आईलैंड जो होते हैं वहां पर आईलैंड देखने को मिलते हैं हमारी कंट्री के अंदर, प्लेटूज देखने को मिलते हैं, तो सारी कितने सारी 5 जियोग्राफिकल एंड फिजिकल डाइवर्सिटी भी हमारी इंडिया में है। ये तो है नहीं कि हम सारी इंडिया प्लेन है, ऐसा तो नहीं है ना, कहीं जगह माउंटेन्स हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं प्लेन एरिया है, तो कहीं पानी बहुत ज्यादा है, कहीं कोस्टल एरिया है, तो काफी सारी डाइवर्सिटी हमने देखी, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका लास्ट वाला, फिजिकली डिसीजन इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, मतलब कि क्लाइमेट का तो प्रभाव पड़ता है, देखो कभी ठंड होती है हमारे यहाँ पे, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, तो क्लाइमेट के साथ, क्लाइमेट भी आप देख रहे हो ना, कि अलग अलग तरह का क्लाइमेट देखते हैं हम, हर साल हर महीने चेंज होता है हमारा क्लाइमेट, तो चार तरह का आपका तो जलवायु होती है, क्लाइमेट्स होते हैं, मौसम बदलता है, तो उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ आती है, कस्टम,
कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज भी बहुत अलग है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कल्चर हमारे अलग है, फेस्टिवल हमारे अलग है, तो वैसे भी रीति रिवाज भी हम किस रीति रिवाज को मानते हैं। हमारे यहाँ इस तरह शादी होती है, किसी के यहाँ किस तरह शादी होती है, अलग अलग तरीका होता है शादी करने का, अलग अलग मतलब कि अपने रीति रिवाज को वो मतलब कि अपनाते हैं। ड्रेसिंग सेंस मैंने बताया ना अभी कि अलग अलग ड्रेसिंग सेंस होता है लोगों का। डाइट, अब मोस्टली क्या होता है, पंजाब में साग खाते हैं, सरसों का साग खाते हैं, मक्की की रोटी खाती हैं, तो और कहीं आप साउथ में जाओ तो वहाँ डोसा वगैरह काफ़ी खाते हैं, चावल काफ़ी खाते हैं। तो ये तो हो गया डाइट, अपने अपने तरीके से अपने अपने स्टेट में मतलब अपने आप को मतलब कि खाना खाते हैं, यानी कि अगर उस स्टेट में वो खाना खाए तो हम भी सेम खाना खाएंगे, ऐसा नहीं होता है, सब अलग अलग तरह का डाइट खाते हैं। एंड कल्चर ऑफ पीपल, वही सेम चीज दोबारा से आगे, कल्चर हमारी संस्कृति जो है वो हर एक लोगों की अलग है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको दोबारा बताऊं डाइवर्सिटी इन इंडिया की, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग फेस्टिवल है, अलग अलग कल्चर है, ये सब होने के बाद भी हमारी कंट्री को क्या बोला जाता है, कंट्री ऑफ यूनिटी बोला जाता है, कि हमारी जो कंट्री है एकता है। इसका मतलब यूनिटी का मतलब बेटा यहाँ पर होता है एकता, कि इतनी सारी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स के अंदर अलग अलग चीजों को फॉलो किया जाता है, फिर भी हमारी कंट्री जो है वो एक साथ मिली हुई है। ठीक है, आई थिंक आपको डाइवर्सिटी हमारी जो इंडिया के अंदर है वो समझ आ गई होगी। ओके okay?